हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टैरो 313। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो गाइस, आज हम देखेंगे आपके जो पर्सन हैं उनकी करंट फीलिंग्स एंड करंट थिंकिंग क्या है आपको लेके, मतलब करंटली वो आपके लिए कैसा सोच रहे हैं, उनकी क्या फीलिंग्स हैं आप लोगों को लेके, क्या इमोशंस हैं एंड उनका नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा, मैं आज ये भी देखूंगी। सो गाइस, रीडिंग कलेक्टिव है, जनरल है, फॉर ऑल जेंडर्स एंड ऑल साइंस। आप इस रीडिंग को मेल, फीमेल और सेम जेंडर के लिए देख सकते हो। टाइमलेस है, जब भी देखोगे रेजोनेट करेगा। जितना रेजोनेट करता है गाइज उतना रखें, बाकी को जाने दें। चैनल पे न्यू है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप लोग मेरे ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ईमेल आपको इंस्टाग्राम और इसी चैनल के अबाउट में मिल जाएगा। सो मैं रीडिंग स्टार्ट करूँगी। सो रीडिंग सबके लिए ओपन है, आपका नो कॉन्टैक्ट है तो भी आप रीडिंग को देख सकते हो, लीस्ट कॉन्टैक्ट है तो भी गाइज आप रीडिंग को देख सकते हो, एंड स्टिल अगर कॉन्टैक्ट है आप लोगों का तो भी आप देख सकते हो, हो सकता है आप लोगों से कुछ ना कुछ मैच कर जाए, ठीक है। सो जो पर्सन आपके माइंड में है आप उनके बारे में जानना चाहते हो कि वो आपके बारे में करंटली कैसा सोच रहे हैं, करंटली कैसा फील कर रहे हैं, देन डेफिनेटली ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। सो थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट, फॉर योर लव गाइज। इसी तरह ही मुझे सपोर्ट करते रहिए, मैं आप लोगों के लिए अच्छी से अच्छी रीडिंग लेके आती रहूँगी। सो या पॉजिटिव रहिए, देखेंगे कि आपके जो पर्सन हैं जो आपके माइंड में हैं, चाहे आपका ब्रेकअप है, चाहे आपका सेपरेशन हो चुका है, या आपका ये एक्स है, या आपका कोई करंट पार्टनर है, कोई फ्रेंड है, तो वो आपके लिए कैसा महसूस कर रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं और आपके बारे में वो कैसा सोचते हैं। लास्ट पे उनका नेक्स्ट एक्शन भी देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। करंटली क्या सोच रहे हैं और क्या फील कर रहे हैं मेरे यूनिवर्स के पार्टनर्स। सो गाइस, फर्स्ट वी हैव टू ऑफ पेंटिकल्स, लोटस विल गो कैप्रिकॉर्न, द हैंगमैन पाइसिस, थ्री ऑफ कप्स कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो, नाइट ऑफ वैंड्स एरिस लियो सैजिटेरियस, नाइट ऑफ कप्स कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो, द हायरोफेंट लोटस। वन मोर कार्ड, क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पास। देन वी हैव नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, एंड बॉटम ऑफ द डेक है फाइव ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ वैंड्स, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न है। यस, सो इस पर्सन की एज 25, 23, 29 एंड 35, 33, 39, 32, 23 हो सकती है, ठीक है। सो गाइज, आपके पर्सन आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं, यहाँ पे आपका जो कनेक्शन है डेफिनेटली, यहाँ पे ये पर्सन आपके लिए कैसा सोच रहा है, कैसा फील कर रहा है गाइज। इस टाइम जो है ना, इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है। अब रिग्रेट किस तरह का हो रहा है, या तो इस पर्सन का आपके ब्रेकअप हो गया आपसे, इस पर्सन ने आपको छोड़ दिया है, इस पर्सन ने डेफिनेटली आपको चूज़ नहीं किया, तो उस चीज़ का इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है। सो गाइज, कहीं ना कहीं ये पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान है, काफ़ी एंजाइटी है इस पर्सन को, इस पर्सन को होपलेसनेस हो रही है, इसको समझ नहीं आ रही कि आगे कनेक्शन जो है वो किस तरफ जाएगा, ठीक है। सो आपको लेके ये पर्सन दो नाइट्स के कार्ड है, नाइट ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ वैंड्स। डेफिनेटली ये पर्सन आपको लेके काफ़ी ज़्यादा पैशनेट है, काफ़ी रोमांटिक है, काफ़ी सडक्शन आप लोगों के लिए फील कर रहे हैं, आप लोगों की तरफ फिज़िकल अट्रैक्शन, फिज़िकल इंटीमेसी भी फील कर रहे हैं, और डेफिनेटली बहुत ज़्यादा पैशनेट है आप लोगों को लेके ये पर्सन। सो दैट्स वाई ये आपकी तरफ आने का सोच रहा है, ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेने का गाइस सोच रहा है, क्योंकि नाइट ऑफ कप्स भी है, नाइट ऑफ वैंड्स भी है, कि मतलब ये पर्सन रोमांटिक भी आपको लेके और काफ़ी पैशनेट भी है, काफ़ी एडवेंचरस है आप लोगों को लेके, मतलब ट्रैवल भी इन्वॉल्व हो सकता है आप लोगों का। ये पर्सन आप लोगों की तरफ एक्शन लेना चाहता है एंड आपके साथ इस कनेक्शन में बैलेंस करना चाहते हैं। इस टाइम अगर ये पर्सन थोड़ा सा कंफ्यूज भी है, तो डेफिनेटली ये पर्सन बैलेंस बनाना चाहता है आप लोगों के साथ, आप लोगों को चूज़ करना चाहता है, बिकॉज इसको कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस करके आप लोगों के पास आना है। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा परेशान है, काफ़ी ज़्यादा इस पर्सन को इनसिक्योरिटी हो रही है, बट एट द सेम टाइम सेपरेशन जिनका चल रहा है, उस सेपरेशन की वजह से, ब्रेकअप की वजह से,
नो कॉन्टैक्ट की वजह से इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा चीज़ों की अवेयरनेस हो रही है। अवेयरनेस इसको ये हो रही है कि आप लोगों की इस पर्सन की लाइफ में एग्जिस्टेंस कितनी इम्पॉर्टेंट है, कितने आप लोग वर्थ रखते हो इस पर्सन की लाइफ में, वो इसको उस चीज़ के बारे में काफ़ी आइडिया हो रहा है। सो दैट्स व्हाई गाइस ये पर्सन हैप्पीनेस चाहता है अपनी लाइफ में, और हैप्पीनेस इस पर्सन की आपसे कनेक्टेड है। ये पर्सन आपके साथ फ्रेंडशिप करना चाहता है, जिनका फ्रेंड है वो फ्रेंडशिप करना चाहता है, और जो यहाँ रिलेशनशिप के लिए देख रहे हैं डेफिनेटली ये पर्सन आपके साथ यूनियन करना चाहता है, और यूनियन का सोच भी रहा है। इसकी फीलिंग्स हैं आपके साथ सेलिब्रेट करें, क्योंकि ये पर्सन आपको एक आइडियल पार्टनर की तरह देखता है। गाइस आप इस पर्सन के लिए एक आइडियल पर्सन हो, चाहे आप मेल हो फीमेल हो, यहाँ पे जेंडर की बात नहीं हो रही, यहाँ पे एनर्जीज की बात हो रही है। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके साथ शादी करना चाहता है, बिकॉज यहाँ पे द हेरोफेंट की एनर्जी है, नाइट ऑफ कप्स। ये पर्सन आपके पास लव कमिटमेंट लेके आना चाहता है, रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं और आपके साथ शादी करना चाहते हैं। कुछ लोगों का यहाँ पे कास्ट कल्चर का डिफरेंस है, तो डेफिनेटली गाइस ये पर्सन उस चीज़ को सेक्रीफाइस करेगा। मतलब पहले ये पर्सन अगर आपको छोड़ के गया है, किसी कास्ट कल्चर का प्रॉब्लम था, अगर स्टिल अभी आप इस कनेक्शन में हो भी और आप लोगों का आगे कनेक्शन मूव नहीं कर रहा, एक ही जगह पे काफ़ी टाइम से पोज सिचुएशन है, तो गाइस ये पर्सन सोच रहा है एक्शन लेने का कि ये पर्सन अपने अब यहाँ पे जो भी इसकी कोई सोसाइटी के बनाए हुए रूल हैं, कोई कास्ट का, कोई भी जिस तरह का भी कोई जात पात का कोई प्रॉब्लम है, तो ये पर्सन सेक्रीफाइस करके आप लोगों को चूज़ करेगा, बिकॉज ये पर्सन बैलेंस जाता है बस आपके साथ इस कनेक्शन में। काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योरिटी हो रही है इस पर्सन को, ये आपको खोना बिल्कुल भी नहीं चाहता। सो ये अचीवमेंट चाहते हैं, सक्सेस चाहता है ये पर्सन, ये चाहता है कि इसको अब इसकी मतलब रिवॉर्ड मिल जाए, मतलब आपको चाहता है ये पर्सन, अचीवमेंट चाहता है, आपसे शादी करना चाहता है। सिक्स ऑफ वैंड्स डेफिनेटली सक्सेस चाहता है ये पर्सन इस कनेक्शन में, इस रिलेशनशिप में, इसको या डेफिनेटली ये पर्सन आपसे मैरिज करेगा। किस तरह का भी प्रॉब्लम है तो ये पर्सन उसको इग्नोर करेगा, क्योंकि सोसाइटी के चलते हुए कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पे हैं, और ऑलरेडी जो पर्सन किसी और के साथ मैरिड हैं, आप उस पर्सन में इंटरेस्टेड हो, वो पर्सन आपको पसंद करता है बट वो मैरिड है, तो ये पर्सन आपसे शादी नहीं कर सकता। चाहता आपको है बट गाइज इस पर्सन को सेक्रीफाइस करने पड़ेगा अपना, इसका स्टेटस है, ये काफ़ी ज़्यादा स्टेटस कॉन्शियस भी हो सकता है, इसको फील हो रहा है कि लोग इसके बारे में कैसा सोचेंगे, इसकी रेपुटेशन जो है वो ख़राब हो जाएगी अगर ये पर्सन आपसे शादी करता है, अगर पहले छोड़ता भी है या नहीं भी छोड़ता बट आपके साथ शादी करता है सेकंड मैरिज, तो इसकी जो पर्सनल जो इसकी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट है या इसकी इज्जत है जो माशरे में है, वो काफ़ी ज़्यादा डैमेज होगी उस वजह से। सो दैट्स वाई यहाँ पे जो सेकंड मतलब उस पर्सन के लिए आप लोग देख रहे हो जो ऑलरेडी मैरिड है, तो वो तो आपसे अभी कनेक्शन आगे नहीं रखेगा, क्योंकि उसकी ऑब्वियसली सोसाइटी का मामला है। लेकिन जो आप अनमैरिड हो, ये पर्सन अनमैरिड है, तो डेफिनेटली ये पर्सन आपके लिए स्टैंड लेगा, सेक्रीफाइस करेगा इस तरह के रिलीजन को, जो भी उसके ट्रेडिशंस हैं, नॉर्म्स हैं सोसाइटी के बनाए हुए, ये पर्सन आपको चूज़ करेगा, उन चीज़ों को नहीं चूज़ करेगा, ठीक है, उनको इग्नोर करके, क्योंकि ये पर्सन और मजीद रिग्रेट में नहीं रह सकता, ठीक है। सो ये पर्सन विक्ट्री चाहता है, सक्सेस चाहता है, ये चाहता है इसको कामयाबी मिले इस कनेक्शन में। सो या बट टाइम थोड़ा लग सकता है, बट आना चाहता है ये पर्सन। सो चलिए लेट्स सी कि और मजीद आपके पर्सन आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। Then we have spiritual strength number 9. Yes, ये person काफ़ी ज़्यादा powerful हो रहा है, खुद को power strength gain कर रहा है अपनी, और काफ़ी spiritual हो रहा है guys ये person. Again 9 की energy है, ये भी 9 की energy है. 9 number आप लोगों के लिए important हो सकता है, date of birth या life path number आपका या इस person का. Then we have 12 sacrifice hangman. Again repeat हो रहे हैं यहाँ पे card guys. यहाँ पे card repeat हुआ है ये hangman का. सेक्रीफाइस, इस पर्सन को सेक्रीफाइस करना है, और ये पर्सन सेक्रीफाइस करने का सोच भी रहा है, क्योंकि ये खुद की खुशियाँ सेक्रीफाइस नहीं कर सकता, बट ये पर्सन अपनी सोसाइटी के जो बनाए हुए रस्म और रवाज हैं उनको सेक्रीफाइस ज़रूर कर सकता है और आपको चूज़ कर सकता है। सो ये सेक्रीफाइस करने के लिए ये पर्सन रेडी हो रहा है। ओके, 12 नंबर इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर इंपॉर्टेंट है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, 3 नंबर भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, इस पर्सन की एज 33 भी हो सकती है। पाइसिस यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है,
नंबर 7 चूज वॉइसली। यस, ये पर्सन जो है ना गाइस इस टाइम काफ़ी चीज़ों के बारे में सोच रहा है और आपको चूज़ करना चाहता है, बिकॉज इस टाइम आई फील लाइक ये पर्सन टोटली एक साइलेंट मोड पे है। ठीक है, सो ये पर्सन मैनिफेस्ट कर रहा है, मेडिटेशन कर रहा है खुद को, और स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ गेन कर रहा है और स्पिरिट से अपने आप को कनेक्ट कर रहा है, ताकि इस पर्सन की इस कन्फ्यूजन वाला जो चल रहा है इस टाइम पीरियड, वो इसको हेल्प मिल सके यूनिवर्स से हेल्प लेके। सो ये बहुत ज़्यादा दुआएं कर रहा है, मेडिटेशन कर रहा है खुद, ताकि ये पर्सन को एक चीज़ को चूज़ करने में आसानी हो, क्योंकि ये चूज़ तो आपको करना चाहता है। यहाँ पे दो बर्ड्स हैं, डेफिनेटली दिस इज़ योर सोलमेट। अगर इस पर्सन के पास काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस भी हैं आपके अलावा, तो ये पर्सन आपको चूज़ करेगा गाइस। शायद ये पर्सन के घर वाले इसको रिश्ते भी दिखा रहे हैं, प्रपोजल दिखा रहे हैं, बट ये पर्सन आप पे अटका हुआ, ये आपको नहीं छोड़ना चाहता। नंबर 3 रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड। यस, ये पर्सन रिवॉर्ड का वेट कर रहा है कि यूनिवर्स इसके साथ अन्याय करे, जस्टिस करे, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये पर्सन चाहता है इसको उसका रिवॉर्ड मिले। जितना ये पर्सन ने सब्र किया है, पेशेंस किए रखा है, या चीज़ों को बड़ी आराम से हैंडल किया ना, तो ये चाह रहा है गाइस कि अब इसको इसका रिवॉर्ड मिल जाए। ठीक है, तो डेफिनेटली दैट्स वाई ये पर्सन कनेक्ट हो रहा है। और ये कार्ड मेरे माइंड में था भी। नंबर 9 सॉलिट्यूड। ये पर्सन इस टाइम खामोश है, हर्मिट मोड पे है ये पर्सन। क्यों? क्योंकि ये पर्सन सोल सर्चिंग कर रहा है। इस पर्सन ने क्या आगे डिसीजन लेना है, क्या आगे करना है, ये पर्सन खामोशी से उस चीज़ को प्लान कर रहा है। दैट्स वाई यहाँ पे ये पर्सन मेडिटेशन कर रहा है। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे हाथ उठाए हुए हैं, ये पर्सन जैसे यूनिवर्स से हेल्प ले रहा है कि इसको गाइडेंस मिले। तो ये पर्सन खामोश रह के यही काम कर रहा है। अगेन 9 की एनर्जी है, 999 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। डेफिनेटली बहुत जल्द ये इस कनेक्शन में सोल्यूशन तलाश कर लेगा। ठीक है, और आपको रीच आउट कर लेगा। पार्टनरशिप एंड अलायंसेस, ये पर्सन आपके साथ पार्टनरशिप करना चाहता है। अगेन 3 की एनर्जी है, 3 3 3 आपके लिए 3 नंबर एंड 9 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, लाइफ पाथ नंबर हो सकता है, जैसे रेजोनेट करे आप लोगों को बेटर पता है। तो ये पर्सन पार्टनरशिप करना चाहता है गाइज आप लोगों के साथ, और वेट कर रहा है आप लोगों से यूनियन करने का। मिलके कोई बिजनेस वगैरह भी कर सकते हो, बट डिफ़िकल्टीज हैं आप दोनों के रास्ते में। ओके, या तो चलिए मज़ीद और कुछ देखते हैं यहाँ से कि कैसा फील कर रहे हैं और कैसा आपके जो पार्टनर्स हैं वो आपके लिए इस टाइम सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं बेसिकली, ये पता चल जाता है आपको। सो बता दिए मैंने आपको क्या सोच रहा है ये पर्सन, बट यहाँ पे आई एम 110% श्योर इस पर्सन को कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना है गाइस, क्योंकि यहाँ पे भी सेक्रीफाइस है, ये भी सेक्रीफाइस है। ये पर्सन मज़ीद डिले नहीं देखना चाहता, क्योंकि ऑलमोस्ट आप लोगों का ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिले हो चुका है इस कनेक्शन में। मे बी आप लोगों की एज जो है वो 30+ भी हो गई है, आपके घर वाले भी हो सकता है फोर्स कर रहे हैं आपको मैरिज के लिए। सो दैट्स वाई ये पर्सन मज़ीद डिले नहीं चाहता, और ये चाहता है कि अगर सेक्रीफाइस कुछ करना पड़ता है तो डेफिनेटली ये रेडी है सेक्रीफाइस करने के लिए। ठीक है, इसलिए काफ़ी खामोश है। कॉन्टैक्ट है भी आपका स्टिल, तो डेफिनेटली आपसे ये पर्सन ज़्यादा बात नहीं करता होगा, क्योंकि काफ़ी सीरियस इस टाइम इस पर्सन का मतलब सिचुएशन चल रही है। चलिए मज़ीद देखते हैं क्या सोच रहे हैं और क्या फील कर रहे हैं आपके पर्सन आपके लिए। लव लैंग्वेज क्वालिटी टाइम, बी द विटनेस टू ईच अदर लाइव्स। यस, ये पर्सन जो है ना आप लोगों से बहुत प्यार करता है गाइज, और ये आपके साथ एक टाइम स्पेंड करना चाहता है, क्वालिटी टाइम। डेफिनेटली ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है, दिस इज़ योर सोलमेट। ये पर्सन आप लोगों को देखें कितना प्यार से आप एक दूसरे को ये कपल देख रहा है, तो डेफिनेटली ये पर्सन आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है, ये चाहता है आपके साथ अपनी ज़िंदगी गुजारे, लाइफ टाइम आपके साथ रहे, काफ़ी लव करता है आप लोगों से बात करना चाहता है कि बेसिकली गाइज ये पर्सन आपसे कितना लव करता है। परफेक्ट मैच, यस, इस पर्सन को लगता है आप इस पर्सन के लिए परफेक्टली मैच हो। ब्लैक एंड वाइट का कपल हो सकते हो, या आप लोग काफ़ी ज़्यादा ब्रिटिश डार्क टोन हो सकती है आपकी या आपके पर्सन की, बट कोई ना कोई डिफरेंस है आप लोगों का। सो यहाँ पे है यू कंप्लीट ईच अदर इन द मोस्ट हारमोनियस वे। यस, ये पर्सन आपके साथ बैलेंस बनाना चाहता है, हारमोनी चाहता है इस कनेक्शन में, और इसको लगता है कि आप लोग इस पर्सन को फील हो रहा है कि आप लोग इस पर्सन के लिए परफेक्ट पार्टनर हो, परफेक्ट मैच हो, आपसे अच्छा इस पर्सन को कोई पार्टनर नहीं मिल सकता, चाहे लड़की है लड़का जो भी है। ठीक है, मैग्नेटिसिज्म, देयर इज़ अ ग्रेविटेशनल पुल टू ईच अदर। यस, डेफिनेटली गाइस ये पर्सन आपसे बहुत लव करता है,
आप लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है, आप लोगों की तरफ एक इसको ऐसी फीलिंग फील होती है आप लोगों की तरफ जब ये आपके बारे में सोचता है, जो इसको किसी के साथ फील नहीं होती। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फीलिंग्स आती हैं इस पर्सन को। डेफिनेटली ये पर्सन आपसे बात करना चाहता है, लव से रिलेटेड मतलब बात करना चाहता है, जो आपसे कहना चाहता है, क्योंकि काफ़ी लव करता है गाइस ये पर्सन। टाइम स्पेंड करना चाहता है मोस्टली। यहाँ पे मुझे जो फीलिंग्स आ रही हैं, ये आपको डेट करना चाहते हैं, आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, आपको ये पर्सन बताना चाहता है कि आपसे कितना प्यार करता है, रोमांस करना चाहता है गाइस। अनएक्सपेक्टेड कंडीशन, ऑपोजिट अट्रैक्ट्स। डेफिनेटली आप लोगों का अनएक्सपेक्टेड कनेक्शन है, ठीक है। शायद इस पर्सन ने कभी नहीं सोचा था कि इसको किसी से इतनी इंटेंस मोहब्बत होगी, या इतना डीप कनेक्शन इस पर्सन का किसी से बनेगा, या इतना ज़्यादा अट्रैक्शन किसी की तरफ होगी जो ये आपके लिए फील कर रहा है। नेकेड बॉडी है, डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा पैशनेट है ये पर्सन, और फिजिकल और सेक्चुअल बॉडी की तरफ काफ़ी अट्रैक्शन है इस पर्सन की आप लोगों को लेके। देन वी हैव सोलमेट। यस, यू हैव फाउंड योर रोमांटिक काउंटर पार्ट। दिस इज़ योर काउंटर पार्ट गाइज। ये पर्सन आपके साथ सोलमेट कनेक्शन फील कर रहा है, और इसको पता है आप इसके सोलमेट हो, ठीक है। सो ये पर्सन आपका सोलमेट है, मैंने आपको पहले भी बताया है। सो काफ़ी देर से ये पर्सन आपकी तरफ काफ़ी अट्रैक्शन फील कर रहा है, काफ़ी लव, काफ़ी रोमांस फील कर रहा है, आप लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है। एक हॉटनेस जो होती है ना ये पर्सन वो फील कर रहा है आप लोगों के लिए। सो यार डेफिनेटली बहुत ज़्यादा पैशनेट है आप लोगों के लिए, आप लोगों के बारे में सोचता है, या आप लोगों को कहीं देखता है, कहीं कोई पिक्चर वगैरह भी इस पर्सन के फ़ोन में है, तो डेफिनेटली ये पर्सन टर्न ऑन हो जाता है, मतलब कंट्रोल नहीं कर पाता होते। ओके, सो ये पर्सन डेफिनेटली आपसे शादी करना चाहता है, इसको पता है आपसे आपके अलावा या आपसे अच्छा इस पर्सन को लाइफ पार्टनर कोई नहीं मिल सकता, आप एक दूसरे के लिए परफेक्ट हो। या सो मैं नेक्स्ट मूव देखूंगी क्या नेक्स्ट मूव होगा आपके पर्सन का आपके लिए, नेक्स्ट एक्शन, नेक्स्ट मूव मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का उनके लिए क्या होगा। डेफिनेटली यहाँ पे वेट करना पड़ेगा गाइज आप लोगों को। क्वीन ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस है आप लोगों को लेके, बट आई फील लाइक ये पर्सन आपको भी वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी गाइज ये पर्सन एक्शन लेने की पोजीशन में नहीं है। ऑब्वियसली ये सेक्रीफाइस करना कोई आसान चीज़ तो नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको वेट करना पड़ेगा 7 to 8 months का, या 7 to 8 weeks का, क्योंकि ये पर्सन इन्जॉय करना चाहता है आपकी लाइफ को, बट अभी ये पर्सन को थोड़ा और कॉन्फिडेंट होना है, और ज़्यादा स्ट्रेंथ गेन करनी है, तब ये पर्सन और स्ट्रॉन्ग होना है इस कनेक्शन में एक्शन लेने के लिए, आपके लिए डिफेंस करने के लिए, देन ये आपकी तरफ आएगा, क्योंकि अभी यहाँ पर टाइम लगेगा, ठीक है। जबकि पैशनेट आप लोगों को लेके नो डाउट ये पर्सन बहुत ज़्यादा है। यस, सो दिस इज द रीडिंग। आई होप यू गाइस लाइक दिस रीडिंग, रेजनेट की पसंद आई है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर। बाय बाय।